हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर लेते हैं। सही है, मेरे ख्याल में जिन्होंने आना तो वो आ गए हैं। ठीक है, अलर्ट स्टार्ट। हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे, मतलब हमने आखिरी पॉइंट जो पढ़ा था ना, वो आपके पास जो अपॉइंटमेंट है ना IAEA में, उसमें भी मतलब इशूज मौजूद हैं। ठीक है, हमने किसका रेफरेंस देना है, हमने मोहम्मद अलबरादी का रेफरेंस देना है, जो एक PSC रिकमेंडेड बुक है, उसमें वो केस के अपॉइंटमेंट पर सवाल उठा रहा था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आखिर में वो ये कहता है कि यार जो मेंबर्स हैं ना, जो कि हमारे पास एडिशनल प्रोटोकॉल को भी फॉलो कर रहे होते हैं, इन जो हमें मतलब रीच भी देते हैं, तो उनके अकाउंटिंग और कंट्रोल सिस्टम और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऐसा है ना, जिनकी या तो हमें समझ नहीं आती या वो स्टैंडर्ड्स को वेरी कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव होती है। इनकन्क्लूसिव होने की वजह से क्या पड़ता है, फिर आपके पास ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के जो क्वेश्चंस है ना, या थ्रेट्स जो आपके पास खासकर पावर के थ्रेट्स है, तो वो फिर उन पर सवाल उठाती है कि यू आर एन इनएफेक्टिव, मतलब क्या है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यही चीजें हैं, मतलब ये चैलेंजेस आई ये को, अगर आपको ये चीजें पता हो ना, तो इन सारी बातों में एक चीज कॉमन आपको क्या नजर आ रही है, कि ये स्टेट्स जो है ना, ये पावर स्टेट्स, ये ऐसा क्यों कर रहे होते हैं कि मतलब सुपरसीड करते हैं IAEA को, मतलब किस वजह की, किस वजू किन वजूहत के बिना पर वही करते हैं, किस IAEA को सुपरसीड कर देते हैं, या उसके प्रोसेस जो मतलब प्रोसेस होता है नॉर्मल, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें इंटरवीन करते हैं, तो ये क्यों करते हैं आपके ख्याल में, क्यों करते हैं ये? इनसिक्योरिटी की वजह से करते हैं। पावर्स ऑफ स्टेट्स को ये लगता है कि यार ये IAEA सही काम नहीं कर रही, तो हमने खुद ही इंश्योर करना है, क्योंकि ये बाकी स्टेट्स को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अपने लिए खतरा समझते हैं, और ये बाकी स्टेट्स भी क्यों छुपके छुपके ये प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे होते हैं, यही इसी वजह से कि वो कहते हैं कि यार हमारी मतलब ग्लोबल सिक्योरिटी पर कोई, ग्लोबल लेवल पर कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है, तो हमारे पास यही अपना मतलब सेल्फ हेल्प के लिए ये रिसोर्ट है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक थीम आपको कॉमन मिलती है, ये जो ग्लोबल इनसिक्योरिटी है ना, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बोथ इन पावरफुल स्टेट्स अगेंस्ट द those states who are aspiring for the nuclear program nuclear weapons, and those states which are aspiring for nuclear weapons, they share the same sense of insecurity, theek hai, because of the lack of a global mechanism for a collective security. To ye cheeze hame challenges se humne ye cheez matlab wo akhas le li, theek hai, abhi tak hum एक ही थीम मतलब सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद नहीं, आपको पता होना चाहिए कि सारी चीजें लिंक किस तरह है, एक चीज कॉमन इसमें किस तरह है, क्योंकि उसी के लिहाज से अगर आपने एक सॉलिड कंक्लूजन निकालना होता है, उसी के बेस पर आपने क्रिटिकल एनालिसिस देकर एक वे फॉरवर्ड देना होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास चैलेंजेस। अब आते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान का सिविल सर्विस है। जी 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 हेलो क्वेश्चन जी हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी पूछे। चले, मेरे ख्याल में आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना क्वेश्चन कंपाइल कर लें फिर बाद में। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यार अब पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले से किस तरह की है, क्या पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान इस तरह का जो मैकेनिज्म बना है, इसमें पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन क्या रही है, IAEA की क्या पोजीशन रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो यार आप सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने इसके मैंडेट को फुली तरह सपोर्ट किया है राइट फ्रॉम द बिगेनिंग। इट वाज एक्चुअली द सिक्स्थ कंट्री हु रेटिफाइड द स्टैट्यूट ऑफ IAEA, तो ये छठी कंट्री थी उस टाइम 1957 में, जिसने आपके पास इसके स्टैट्यूट को क्या किया था, रेटिफाई किया था। तो IAEA के मतलब वो फुल कॉन्फिडेंस, फुल सपोर्ट पाकिस्तान IAEA को दे रहा है, अपना उसके मैंडेट को मान रहा है। ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्सिबल नेचर ऑफ पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक है, इसके अलावा आपने रिसेंटली 1962 से लेकर 2017 तक डिफरेंट किस्म के एग्रीमेंट्स पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कंक्लूड किए हैं, और उसकी बुनियादी उसका बुनियादी नुक्ता क्या है कि आपके पास जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, पाकिस्तान के हवाले से अगर क्वेश्चन अराइज होते हैं,
तो उसको प्रीएम्प्ट किया जा सके, किस तरह प्रीएम्प्ट किया जा सके कि यार सेफ्टी और सिक्योरिटी गारंटी हमारी पूरी तरह कंप्लीट है, ठीक है, नहीं सिर्फ प्रीएम्प्ट किया जा सके बल्कि डिफरेंट स्टेट्स ने जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मतलब वो क्या है पॉइंट्स रेस किए हैं ना, ऑब्जेक्शंस रेस किए हैं, उसको भी रिस्पॉन्ड किया जा सके थ्रू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फाइंडिंग्स, ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंटली 2020 में, फेब 2020 में अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आपके पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 4-4 किस्म के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ चल रहे थे। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इसलिए कि आपके पास जो 3 फंक्शंस है ना, आपके पास न्यूक्लियर ये एटॉमिक IAEA के, ठीक है, उनके लिहाज से ये फंक्शंस कर रहे थे वो, सेफ्टी एंड सेफ गार्ड, ठीक है, इस तरह आपके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में जो आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसके हवाले से, और इसके अलावा वेरिफिकेशन एंड सेफ गार्ड के हवाले से, तो इसको एमलगेमेट कर दिया गया और इससे एक ही मतलब आपके पास एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिससे तमाम मतलब जो पिछले 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ना, इनको सारों को मतलब आपके पास क्या किया, क्लस्टर करके एक ही मिशन बनाया गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का पाकिस्तान में, ठीक है, और पाकिस्तान उसके साथ फुली कोऑपरेट कर रहा है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजीद स्ट्रेंथन कर ले। स्ट्रेंथन करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप उसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कर लो, स्ट्रेंथन करने का ये भी मतलब होता है कि आप उसके लिहाज से जो मिसकंसेप्शन हैं या अराइज होने हैं उसको एड्रेस कर दो। इज इट क्लियर? तो पाकिस्तान की ये पोजीशन नहीं है IAEA के मतलब वो लिहाज से फेब 2020। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब अगर आगे डेवलपमेंट्स आनी भी है ना तो सीधा साधा आपने स्लाइड पर आना है और स्लाइड के नीचे वो डेवलपमेंट ऐड कर देंगे, ठीक है, बजाय इसके कि हम रैंडमली चीजें मतलब आर्टिकल जमा करते रहो, फिर पेपर के दिन आप अपना सर पकड़ के बैठे हो कि मैं किस किस टॉपिक को करूँ, ठीक है। तो सारे जो टॉपिक्स अभी तक हो रहे हैं ना, इसी वजह से मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ कि स्लाइड्स में अगर आप एडिशन मतलब कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो तो उसी रेस्पेक्टिव सेक्शन में आप उसको ऐड कर लें, और PDF इसलिए कि आप उसको प्रिंट आउट कर लें, करके लेक्चर सुन के एडिशनल पॉइंट्स के ऊपर लिख लें, ठीक है। सो इंशाल्लाह इट विल मेक योर लाइफ इजी। अब आगे आते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम में हमने सबसे पहले कौन सी बात को कौन सा मतलब मैकेनिज्म पढ़ा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 1957 में एटम्स फॉर पीस कॉन्सेप्ट के अफर्मेट में जो आपके पास डेवलप हुई थी अंडर UN, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, हमने क्या पढ़ा था उसमें, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1967 NPT जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये दूसरा मैकेनिज्म है जो कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के अंडर फॉल करता है, ठीक है। तो यार वही बात है कि न्यूक्लियर वेपन्स को रोकना एक बात होती है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के रोकने के आड़ में अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सबको डिनाई कर दो तो फ्रस्ट्रेशन या आपके पास उसके रिपरकशन या रिस्पॉन्स तो ग्लोबल लेवल पर आएंगे आएंगे, लोग मतलब वो क्या करेंगे कि अगर आप उनको अलाउ नहीं करेंगे तो अल्टरनेट रास्ता ढूंढेंगे और अल्टरनेट रास्ते में फिर मसले मसाइल काफ़ी मौजूद होते हैं। तो आपके पास 1967 में क्या हुआ, 1967 में यही हुआ कि आपके पास किसी तरह एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जा सके जिससे हम क्या करें, न्यूक्लियर वेपन्स को भी रोक पाएँ, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को भी रोक पाए फैलने से, ठीक है, मजीद स्टेट्स को, ठीक है, एक्वायर करने से, और आपके पास उन स्टेट्स को हम मतलब क्या कर सकें, फैसिलिटेट भी कर सकें कि किसी तरीके से वो क्या कर लें, वो पीसफुल पर्पसेस के लिए इन टेक्नोलॉजीज को हमसे एक्वायर कर ले ताकि इनके पास इंसेंटिव हो कि वो अल्टरनेट रास्तों पर ना जाए। और इसी के साथ एक तीसरी बात इसमें बुनियादी तौर पर की गई कि यार सिर्फ ये नहीं कि इन चीज़ों को हम इसकी रोकथाम कर लें न्यूक्लियर वेपन्स की, बल्कि हम इवेंचुअली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ चले जाए। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट किसे कहते हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट किसे कहते हैं, हेल्प करना यार, न्यूक्लियर वेपन को खत्म करना। एग्जैक्टली, कि आप डिसआर्मामेंट किसे कहते हैं कि आप एक चीज को नहीं है जो कि आपकी वेपनरी का हिस्सा है, जो कि आपकी वेपन्स इन्वेंटरी का हिस्सा है, उसको क्या कर दो, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, अपनी वो इन्वेंट्री से, वेपन्स की इन्वेंट्री से एक चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर लो, बिल्कुल डिसआर्म हो जाना, ठीक है, उस वेपन से बिल्कुल डिसआर्म हो जाना। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट किसे कहेंगे कि आप जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना उसका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दो, चाहे वो रिकग्नाइज स्टेट्स के पास हो
चाहे वो बाकी मतलब वो, ठीक है। तो आपके पास ये ट्रीटी इसी तीन चीजों को कवर कर रही थी, किसी तरह आपके पास क्या किया जा सके, ये तो तीन ऑब्जेक्टिव्स है एसीटी के, मैं अभी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बता भी दिया, मैं दोबारा भी इसको रिपीट करता हूँ कि यार मजीद स्टेट्स को जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स के एक्वायरिंग से रोका जा सके। इन सिंपल वर्ड्स इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, यार बाकी स्टेट्स को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोका जा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने ऊपर एक बात कर दी कि ये जरूरत फील की गई कि न्यूक्लियर वेपन से रोकना एक बात होती है, लेकिन उसके आड़ में बिल्कुल उसको टेक्नोलॉजी डिनाय कर देना, वो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होती उन स्टेट्स को कंपेल करने के लिए कि वो आपके पास अल्टरनेट मींस से वो टेक्नोलॉजीज डेवलप ना करें या वेपन्स की तरफ ना जाए। तो आपको उनको कोई इंसेंटिव भी तो देना चाहिए, तो ये इंसेंटिव ये एनपीटी में इनको दिया गया। तो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, दूसरा ऑब्जेक्टिव इसी बात को एड्रेस करने के लिए दिया गया कि अगर आपके पास स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन्स की एक्विजिशन के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स मतलब वेपन्स के लिए फॉलो नहीं करेंगे, तो जो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है ना, जिसमें ये B5 आ जाते हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड UK, वो इनकी हेल्प करेंगे किस चीज में, कि उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, उनके साथ साइंटिफिक रिसर्च शेयर करें, उनके लोगों को मतलब क्या करें, उनके लोगों को वो एजुकेशन प्रोवाइड करें, एक्सचेंज प्रोग्राम्स उनके साथ करें, उनको न्यूक्लियर साइंस देने में फैसिलिटेशन के रास्ते हमवार करें, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि आपके पास ये स्टेट्स पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर एनर्जी है ना, इसकी एक्विजिशन भी कर सके, लेकिन थ्रू आपके पास जो रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है ना उसके चैनल से। लेकिन वो कब ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट उनकी हेल्प करेंगे, जब ये पहले ऑब्जेक्टिव को जो बाकी स्टेट्स है ना ये डिक्लेयर कर देंगे कि वी विल नॉट परस्यू न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, वी विल ओनली परस्यू दिस प्रोग्राम फॉर पीसफुल पर्पसेस एंड थ्रू द चैनल ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स recognized nuclear weapon states under the nuclear non-proliferation treaty, ठीक है। तो ये मतलब इन्होंने ये incentive दे दिया कि अगर आप ये nuclear proliferation में involved नहीं होते तो हम peaceful purposes के लिए मतलब आपको technology और ये सारी चीज़ हम आपको facilitate करेंगे, ठीक है। अब इसके पास एक तीसरी चीज़ भी objective में शामिल थी, वो क्या थी कि यार ultimately नहीं हमने nuclear disarmament की तरफ जाना है, क्योंकि अगर आपके पास स्टेट्स को मतलब ये कंसर्न भी है ना स्टेट का कि यार 5 ममालिक या 9 ममालिक के साथ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, वो तो हमें टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहे हैं, पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना दे आर अनसर्टन, दे आर वोलेटाइल, दे आर वेरिएबल इन टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो क्या मतलब ऐसी सिचुएशन, ये स्टेट्स लाजमी सी बात है, स्टेट्स अपने सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट जो इनकी इंटेग्रिटी होती है, सॉवरेनिटी होती है, उसको मतलब क्या है इंश्योर करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को भी तो देखेंगे, तो ये कहेंगे कि आपके पास अगर कुछ स्टेट्स के पास ये वेपन्स है तो ये तो मुझे कंपेल कर सकता है, जो कि हमने न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के पहले पॉइंट में पढ़ा था, यार वो कंपेलेंस का वो एलिमेंट यूज कर सकता है किसी दूसरे स्टेट को पॉलिसी चेंज करने के लिए या अपनी मनमर्जी मतलब वो क्या कर रहा है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यार इस चीज को भी एड्रेस करने के लिए इस ट्रीटी में तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया, ये बताया गया कि यार अल्टीमेटली जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ना ये भी ये न्यूक्लियर वेपन्स से मतलब क्या कर लेंगे, ये भी ये न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना और न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना और अल्टीमेटली न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की तरफ जाना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तीन गोल्स से। इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन मसला क्या आता है, जिस तरह आईए के मसले थे यहां पर भी इनसिक्योरिटी वगैरह के मसले भी आपको सारों को मिले। सबसे पहले जो बात की जाती है ना इस पे जो चैलेंज है वो ये कहते हैं कि यार आपके पास स्टेट्स कह देते हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरफ नहीं जाएंगे, सही है, हम पीसफुल एनर्जी पर्पसेस के लिए कहेंगे। सारे स्टेट्स जिन्होंने मतलब ये सेंट्रीफ्यूज वगैरह जिनको मिला है, जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे जाकर
न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में इस्तेमाल किया है, उनको ये टेक्नोलॉजी मिली कहाँ से आपके ख्याल में? ये टेक्नोलॉजी उनको कहाँ से मिली? इन सारे स्टेट्स को कहाँ से ये टेक्नोलॉजी मिली और अंडर विच मैकेनिज्म इनको ये टेक्नोलॉजी मिली है? यार कॉमन जरा सा दिमाग पर जोर डाले क्या सर, जिनके पास ऑलरेडी सर ये जो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स थे जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो सर इनसे मिलिए, इस सूरत में मिलिए कि हम इसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। अच्छा वेरी गुड, ये कौन आंसर कर रहा था? नाइला खान। चलो वेरी गुड वेरी गुड, इट्स अ वेरी कॉम्प्रेंसर। इसी तरह यही चीज है, ठीक है, कि आपने इन सारे स्टेट्स में जिन्होंने बाद में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए उनका पहला वो क्या था, पहला जो इनके सेंट्रीफ्यूज आए थे ना, चाहे वो पाकिस्तान का आया हो, चाहे वो इंडिया का आया था, इंडिया को कनाडा और यूके ने प्रोवाइड किया, तो आई थिंक अमेरिका ने पाकिस्तान को पहला ये सेंट्रीफ्यूज जो है ना ये अमेरिका ने प्रोवाइड किया था, फिर बाद में कनाडा ने। इसी तरह इराक का आप देख लें, इराक को भी प्रोवाइड किए थे, ईरान को भी शाह के टाइम में अमेरिका ने ही सबसे ज्यादा फैसिलिटेट किया था, नॉर्थ कोरिया को भी इसी मतलब पर्सपेक्टिव में ये सेंट्रीफ्यूज वगैरह मिले थे, और लीबिया ने भी यही फकेर्ड मतलब बना के हम पीसफुल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में फिर क्या पता चला, इन सारों में हमें क्या चीज पता चलती है, इन सारों में हमें यही चीज पता चलती है कि इनके हिडन एजेंडास थे, ठीक है। हिडन एजेंडास किस तरह थे कि इन्होंने पीसफुल पर्पसेस के साथ साथ अपने वेपन्स डेवलप करने में भी ये चीजें इस्तेमाल की। नॉर्थ कोरिया इसमें कामयाब हो गया, इंडिया इसमें कामयाब हो गया, पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और इंडिया को पनिश ना करने की वजह से, जो उन्होंने एक मतलब वो न्यूक्लियर ये जो आपके पास वो क्या है रिसीव किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी की, उसकी वजह से फिर पाकिस्तान को भी मजबूरन करना पड़ा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में हमें यही चीज़ मिलती है कि यार एनपीटी इतनी बेहतरीन ट्रीटी होने के बावजूद भी आपके पास इसकी चैलेंजेस के लिए क्या है कि यार हिडन एजेंडाज होते हैं स्टेट्स के, तो आपको पता नहीं होता कि जो स्टेट्स ये पीसफुल पर्पसेस के लिए भी उसको एक्वायर कर रहे हैं तो क्या आगे जाकर ये न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे, यू आर नेवर श्योर अबाउट इट, ठीक है। और इसी वजह से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है अभी भी इस चीज के बावजूद भी, ये जब ये मेजर्स लिए भी गए, ठीक है। इसके अलावा एनपीटी में तो हम ये चीज हम चैनलाइज कर रहे हैं ना कि जो मतलब एक्सपोर्ट है ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सारा कुछ हो रहा है ना, ये हमारे पास थ्रू प्रॉपर चैनल हो, थ्रू प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हो, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हो या उनके सुपरविजन में हो, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट्स एग्जिस्ट करती है इंडिया में, ठीक है। न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट्स कौन सी है, जो कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड और आपके पास जो वैलिड आपके पास चैनल्स है ना इन टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर के लिए और जो आपके पास सुपरवाइजरी मेजर्स हैं उनके मतलब उसके बगैर जो सारा ट्रेड होता है ना इन टेक्नोलॉजीज में या इन इस इंफॉर्मेशन में या इस मटेरियल्स में जो आके आगे जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में हेल्प आउट करें, तो इसके मार्केट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे जो प्राइम एग्जाम्पल वो देता है ना मोहम्मद अलबरादी, ठीक है, एज ऑफ डिसेप्शन में वो कहता है कि एक्यूहान का नेटवर्क, ठीक है। अब एक्यूहान का नेटवर्क हम भी मतलब पेपर में अगर आप लिखते हैं ना सो इट विल नॉट हर्ट यू, क्योंकि उसने 2004 में एक टेलीवाइज्ड अपोलॉजी सारे नेशन के सामने पेश की थी कि इस सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, जो कि लीबिया को नॉर्थ कोरिया को ईरान में जो आपके पास सेंट्रीफ्यूज मिले, इवन लीबिया में तो उन्होंने जो वो क्रेट खोले ना उस पर वो पाकिस्तान के मतलब वो सारा कुछ मौजूद भी था, सही है। तो आपके पास मोहम्मद अलबरादी कहता है कि यार ये नेटवर्क तो सिर्फ दुनिया के सामने आया, लेकिन इसको डिग आउट करने के बाद हमें पता चला कि यार एक जो प्रोलिफरेशन हुई थी ना वो एक प्रोलिफरेशन की एग्जांपल दे रहा होता है ईरान की आई थिंक, ठीक है, उसमें 30 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, सो देयर आर अ मेरिट नंबर ऑफ प्लेयर्स, बहुत से प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है, नॉट ओनली द एक्यूहान नेटवर्क जो सिर्फ सर्फिस पे आया है, वो तो सिर्फ अनअर्थ हुआ है, इसमें बाकी भी आपके पास मौजूद है प्लेयर्स। उसकी एग्जांपल आपको कहाँ से मिलती है, मोहम्मद अलबरादी जो कहता है कि एक आपके पास जो प्रोलिफरेशन हमने अनर्थ की थी ना उसमें 30 कंट्रीज हमारे पास मुलविस थी, मतलब एक पार्ट एक जगह से आया तो दूसरे ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की
तो तीसरी जगह पर डील हुई, तो चौथी में फाइनल ट्रांजेक्शन हुई, तो आपके पास ये चैलेंज एग्जिस्ट करता है. इज इट क्लियर? यस सर. सर ये जो 30 कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र आपने किया, तो ये सर्विसिंग ऑफ एक युखान वाले उसमें है. Exactly, इसमें तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इसको आप मेंशन करते हो तो इसके साथ ही लिखो कि इस चीज तो सिर्फ सरफेस पे आई और उस बंदे को किया गया, असल में तो ये इट इज नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग. ये तो क्या टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है. यही पॉइंट आपके पास मोहम्मद अलगराजी प्रूव करता है, द एज ऑफ डिसेप्शन एंड द डिप्लोमेसी इन द ट्रेचरस टाइम्स. ठीक है, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी इन ट्रेचरस टाइम्स जो बुक है, तो ये चीज प्रूव कर रहा होता है. ठीक है, तो ये आपके पास एनपीटी के लिए चैलेंज है. यार आप लोगों को समझ आ रही है? यस सर, आ रही है. चलो ओके गुड. हाँ ना यार, ऐसा ना हो कि एनपीटी का नाम सुनकर आपके मतलब वो आपके रंग गुजर पड़ जाए कि ये चीजें अभी मैंने खुद पढ़ी है ना, मुझे भी खुद समझ नहीं थी इन चीजों की, लेकिन जो ये इसके लिए रिकमेंडेड बुक है ना, उसको पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें समझ आ जाती है. ठीक है सर, एक दो दफा पढ़े. नहीं नहीं, बुक ना पढ़े, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं, ये वाली यही वाली सुन के. हां ये लेक्चर्स को सुन के इस पे एडिशनल पॉइंट्स लिखते हैं, इट्स मोर देन इनफ फॉर रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग. ठीक है, अब सर पेंडिंग साथ साथ ये रिकमेंडेड बुक बताते जाए तो हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि वो तो सर ने हिफ्ज करा दिया हमें यार. नहीं, वो बार बार लेक्चर में भी मैं बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट. और ये जो आखिरी स्लाइड होती है ना जिस किसी भी लेक्चर की, उसमें मैं वो रिकमेंडेड बुक का नाम और चैप्टर मेंशन कर देता हूँ कि ये डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी और ये एनालिसिस आप यहाँ से अखज़ कर सकते हैं. और फिर वो बुक मैंने सजेस्टेड बुक्स के फोल्डर में भी अपलोड कर दी होती है. तो यार इससे ज्यादा मैं क्या करूँ आपको. अच्छा आगे जाते हैं. ठीक है, तो तीसरा चैलेंज क्या है आपके पास, वो है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बाय द स्टेट्स. यार यही चीज है कि आपके पास जो एटॉमिक बॉम्ब ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है ना, जिसके वो रिजल्ट्स निकले हैं स्टेट्स के पास, ठीक है, वो आपके पास किसी अल्टरनेट सिस्टम ने मतलब इस किस्म के रिजल्ट्स नहीं निकाले किसी स्टेट्स के लिए. तो ये आपके पास कहाँ से पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? इराक और लीबिया को देख लें, उन्होंने गिव अप कर दिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स या उनको तबाह कर दिया गया. उनके साथ क्या हुआ, क्या गिव अप करने से उनकी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, क्या वो बच सके तबाही से? नहीं बच सके. इसी तरह ईरान को देख लें, ईरान भी ये न्यूक्लियर वेपन की बारगेनिंग कर रहा है, खुद को बचा रहा है. ठीक है, अगर ये एलिमेंट ना हो तो तब कब का मतलब उसको कर चुके हो, तो अभी भी उसको प्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन तक पहुंचा नहीं है, लेकिन स्टिल देयर आर डाउट्स कि उन्होंने डेवलप कर लिया है, तो वो जरा से घबरा रहे हैं, लेकिन आउटराइटली अभी भी उसको पनिश किया जा रहा है. लेकिन इन सारे केसेस को नॉर्थ कोरिया से जरा कंपेयर करके देख लो, क्या नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई एक्शन वो ले सकते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल आए रोज वो बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे होते हैं. आपके पास जो आपके अमेरिका के जजीरे है ना, उसके आसपास जो पानी है उसको हिट करते हैं वो. आप कहते हैं ना ये नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया, वो पता है किस तरह करते हैं? वो जो अमेरिका के खाली जजीरे है ना, उसके इर्द गिर्द जो पानी होता है ना, उसके करीबी मतलब जो एरियाज होते हैं उसको मतलब समंदर में टारगेट कर लेते हैं. वो क्या मैसेज दे रहे होते हैं कि वी आर रेडी एंड यू विल बी पनिश्ड, तो वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड वी कैन इन्फ्लिक्ट इररिपेरेबल डैमेज ऑन यू. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह यूएस मतलब बड़े ही अफाम व तफहीम से उनके साथ जा रहा है और उनके खिलाफ कोई प्रिनोटिव एक्शन नहीं ले सकता. और इसकी एग्जाम्पल आपको कहाँ से मिलती है, जो रिसेंट समिट्स हुई है, ट्रंप खुद जाके मतलब उससे मिलता है. क्या वो इराक के प्रेसिडेंट से मिला था, यूएस का प्रेसिडेंट, लीबिया के प्रेसिडेंट से मिला था, ईरान के प्रेसिडेंट से वो मिल रहा है? नहीं. क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो इनसिक्योरिटी के चैलेंजेस है ना, वो एग्जिस्ट करते हैं. वो एग्जिस्ट करने की वजह से नहीं, ये स्टेट्स के पास रास्ता मतलब यही सबसे बेहतरीन नजर आता है कि यार न्यूक्लियर वेपन्स मतलब डेवलप कर दो. तो हम तो एनपीटी में यही कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी तरह इस चीज को रोका जा सके. तो अगर ये चीज प्रिवेल करेगी तो क्या एनपीटी सही तरह अपने गोल्स अचीव कर सकती है? नो सर, कैसे हो? चलो यार ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकती. तो इट्स अ चैलेंज फॉर एनपीटी. ठीक है, इसी तरह सबसे जो बुनियादी इस पे मतलब जो इंडिया का भी इस पे मतलब जितना मैंने उनका वो सुना है ना लेक्चर मैंने सुना है, यार इंडिया वाले या चाहे पाकिस्तान हो गया, चाहे बाकी स्टेट, चाहे इवन आपके पास अनरिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट के अलावा भी स्टेट्स हो गए ना जो कि नॉन मतलब वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, वो भी ये मतलब सवाल उठाते हैं
कि यार ये एनपीटी में तो आपने ये बात भी कही थी कि यार आप ये जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स है ना उनको एवेंचुअली खत्म किया जाएगा, तो यार आप लोग तो इसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हो। मतलब ये कि आप कोई वेपन मतलब डिसमेंटल नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक टाइम फ्रेम को बता दो कि इतने टाइम फ्रेम में ये जो आपके पास न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है ना जो कि एनपीटी के अंडर वो क्या है ये ओथ लेते हैं कि हम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है इवेंचुअली थर्ड पॉइंट। तो इन्होंने तो अभी तक वो टाइमलाइन ही डिसाइड नहीं किया, ना ही कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स किए, तो हम किस तरह श्योर हो सकते हैं कि दे विल फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द एनपीटी, सो देयर आर रिजर्वेशंस, ठीक है। तो ये आपके पास ये जब तक ये मोनोपोली रहेगी ना P5 स्टेट्स की, और ये तीसरे ऑब्लिगेशन को एनपीटी की पूरा नहीं करेंगे, डिसआर्ममेंट की तरफ ग्रेजुअली नहीं जाएंगे, तो तब तक आपके पास एनपीटी इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, और जब इन लेटर एंड स्पिरिट की इंप्लीमेंट नहीं हो सकती तो आप न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम को रियलाइज नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर जी? क्वेश्चन करें, किसका क्वेश्चन है यार? ये चैट में क्वेश्चन ना पूछा करें। और ये कौन असरार? हमिद खान, नेक्स्ट ऐसा कमेंट एंड यू आर आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। अच्छा जी, यू आर अ न्यू स्टूडेंट इसके मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, वरना ये हमारा पुराना स्टूडेंट हो तो मैं कब का निकाल चुका होता, मैं उसे कहता नहीं कि यू अलाउड टू गो, ही विल बी आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। सॉरी सर, डेट वाज अबाउट बुक्स। नहीं, दैट वाज अबाउट रिकाउंट टू एनीथिंग, यू शुड आस्क ऑन द फ्लोर पर क्या करें, ये चीजें ना किया करें, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन का किसका था सर? मेरा पिछला क्वेश्चन था, अभी थोड़े सिग्नल स्टेबल हुए, मैं अभी पूछ लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। सर आपने कहा ना कि ये जो कंट्रीज है नॉर्थ कोरिया और लीबिया और इराक और इन सब के साथ में उनका चेंज बिहेवियर होता है ना, ये वर्ल्ड पावर जो है ना P5 का, सर तो देर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फो इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना सर, तो ये लोग किस तरह इतने कॉन्फिडेंस हो के एक कंट्री को मतलब इस तरह साइड दे लेते हैं, ये फिर मतलब यही चीजें जो ये इनकी हेल्प कर रहे हैं ये इनके खिलाफ भी तो यूज हो सकता है। वो असल में साइड नहीं ले रहे, पता है वो साइड नहीं ले रहे, लेकिन एक कंट्री के पास एक चीज है सही है और ये बाकी कंट्रीज बहुत ही ज्यादा थ्रेटन फील कर रही है, तो उनके लिए जरूरी है कि यार इस कंट्री से तो हमारी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा खतरा लाख है, तो यार इसको तो किसी भी तरीके से रोको, और बाकी जो है उनके पास वेपन्स भी नहीं है लेकिन वो सिर्फ डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, तो फिर इनकी अपनी मर्जी होती है कि जितने पुनिटिव मेजर्स इस पर लगा सकते हैं वो लगा लें, तो इन केसेस में ईरान लीबिया इराक में यही हुआ है, यही हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके सिर्फ न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के डायमेंशन नहीं है, इसके बाकी इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि न्यूक्लियर का टॉपिक है, तो सिर्फ न्यूक्लियर फैक्टर को हम यहाँ पर इनकलकेट कर रहे हैं लेक्चर में, और ये बात तो ऑब्वियस है यार, फ्रेंड्स की वजह से वो नहीं कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के साथ, कोई कंसेशन नॉर्थ कोरिया के साथ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी के बेस पर ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रख और एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर सॉरी तो उसी के बेस पर वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि इनका प्लेज था यार, अगर ये चीजें आप फॉरगो कर दो, ठीक है, ये गिव अप कर दो, सो यू विल नॉट बी हर्ट, अगर वो इसको रियलाइज करते तो आज ये कंक्लूजन हम ना निकालते कि there is discrimination, ठीक है, there is discrimination, तो ये इस नौकरी के साथ किस वजह से नहीं किया कि आपके पास वो कोई फ्रेंड है, बल्कि जो पॉसिबल फॉलआउट्स है ना वो इन बाकी कंट्रीज के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी को देखकर इन्होंने ये अपीजमेंट तो हम नहीं कह सकते लेकिन थोड़े से कंसेशंस दिए हैं या अपने एक्शंस को डिले किया है। इज इट क्लियर? और सर हमने भी ब्लैक मार्केट और इस सब में वो किया था ना सर, तो ये सोचना क्या? चाहिए ना सर कि मतलब ये को हमारे खिलाफ भी यूज हो सकता है अगर हम उनको डेवलप करने की वो करें ना, हेल्प करें उनकी, अगर इस तरह हमारे वहाँ से सेंट्रीफ्यूज वगैरह मतलब बरामद हुए थे ना अब्दुल कदीर खान से नहीं, हाँ हमने नहीं सर, तो पाकिस्तानी स्टेट ने नहीं, ये अजीब नहीं है, मतलब हमें सोचना चाहिए नहीं, तो हम सोच ही रहे हैं ना, तभी अभी नियर फ्यूचर का नहीं सोचना चाहिए, दूर का सोचना चाहिए क्योंकि परमानेंट फ्रेंड्स और वो तो नहीं होते, इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं, तो हम तो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो सर तो आज हमारे साथ है कल को हमारे खिलाफ भी हो सकता है ना, तो ये तो हम यही कंक्लूजन तो हम आखिर में निकाल रहे हैं कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना
ये अल्टीमेटली ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं, चाहे आप कोई स्टेट जो है ना वो उसके लिए अगर कोई टेम्पररी अरेंजमेंट सिक्योरिटी का कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज रिजल्टिंग इन द लोअरिंग ऑफ द ग्लोबल इनसिक्योरिटी. वो चैलेंजेस नहीं बल्कि डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में हम पढ़ेंगे. और ये बात कभी भी ना करें कि पाकिस्तानी स्टेट ने प्रोलिफरेशन की थी, इट वॉज ए क्यूहान नेटवर्क एंड ही हैज एडमिटेड ऑन द टेलीविजन इट इज मी हु वाज रिस्पांसिबल फॉर इट. ठीक है, ये बेवकूफ, ये मतलब नादानी ना कर दे पेपर में कि ये पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए तो वो, तो ये हम इन्वॉल्व रहे, हम इन्वॉल्व नहीं रहे, इट वॉज ए क्यूहान नेटवर्क. ठीक है, समझ आ रही है कि किस तरह लिखना है? Yes, sir. और वो भी सर अकेले है, क्यूहान नेटवर्क नहीं था. हाँ exactly, यही तो मैंने बात बताई ना कि it was myriad of players में involved थे. और वो reference हम किसका दे रहे हैं, पाकिस्तानी का नहीं दे रहे, बल्कि International Atomic Energy Agency का जो हेड रहा है ना उसकी बुक का reference दे रहे हैं. तो यार बात की आपको क्या authentic मतलब हो चाहिए, किसी गली मोहल्ले का reference हम नहीं दे रहे कि फलाने बंदे ने बात कर दी. सर तो आई ये कि खुद ही उसने कहा है कि मेरे तो रिपोर्ट्स होते हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं, तो कौन सा बड़ा मैनिपुलेटेड. आपके पास ये जो डिफरेंट केसेस है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन है उस लिहाज से हुए हैं, बाकी जो उन्होंने अनर्थ किए ना काफी अचीवमेंट्स भी आई ये की. ठीक है, तो ये हम आखिर में यही कहेंगे कि इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं वो मतलब आउटराइट फेलियर नहीं होते, लेकिन चैलेंजेस को अगर एड्रेस किया जा सके तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास मसले मसाइल है उनको खत्म किया जा सकता है. और यही चीज अहमद मोहम्मद अल बरादी भी कहता है. ठीक है, इस तरह नहीं है यार चीजों को जरा. सर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उसके भी बेर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखी जाती है और exactly. मतलब उसके जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं उनके अंदर जो मतलब मिनरल्स और ये चीज एग्जैक्टली आप जो बात कर रहे हैं ना, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव की स्लाइड पर हम आएंगे ना, कंस्ट्रक्टिविज्म के बेस पर जो हम इस चीज को देख रहे होते हैं उसमें मैं यही पॉइंट हाईलाइट करूंगा कि इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शंस. आपके परसेप्शंस किस तरह, परसेप्शंस किस तरह शेप होते हैं इन रियलिटीज को मद्देनजर रखकर. ठीक है, सो इंशाल्लाह वेट फॉर इट, यू विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ दिस टॉपिक. हाँ जी, तो पाकिस्तान की पोजीशन एनपीटी के हवाले से क्या है, क्या पोजीशन है? इंडिया से वो किया था कि वो साइन करेगा. यार इंडिया को छोड़ दे, प्रिंसिपल पोजीशन की बात किया करें. पाकिस्तान एक उसूली मौकफ को अपना कर एक पॉलिसी वो देगा, फिर वो ये पॉलिसी क्यों देगा उसकी एक वजह होगी, जो कि वजह आपकी इंडिया भी हो सकती है बाकी भी हो सकती है. आप सीधा साधा इंडिया को क्यों ले आते हो यार, ये जरा अपने ये नैरेटिव को जो है ना, क्योंकि सर हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक ही है ना. इंडिया सेंट्रिक, आपको फॉरेन पॉलिसी की समझ नहीं है इसकी, आप इंडिया सेंट्रिक उसको कह रही है. अगर इतने लेक्चर स्कोर करने के बाद भी आपकी यही अंडरस्टैंडिंग है कि फॉरेन पॉलिसी तो इंडिया सेंट्रिक है, इस तरह नहीं होता यार, क्या कर रहे हैं आप लोग. पाकिस्तान ने कभी भी एनपीटी को एक्सेप्ट नहीं किया. क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि इस अपने सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख कर नहीं किया गया. अब सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, सिक्योरिटी के हवाले सॉवरेनिटी होती है ना, और ये बात ऊपर के जो चैलेंजेस हैं, तो ये चैलेंजेस अगर मौजूद है हिडन एजेंडा ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, आपके पास इंडिया ने यही चीज की थी, तो पाकिस्तान किस तरह श्योर हो सकता है कि एनपीटी को हम साइन कर लें, ठीक है हम ये सारी चीजें गिव अप कर लें, कंप्लीट डिसआर्ममेंट की तरफ चले जाएं. तो इंडिया ने तो पहले भी 1974 में वो तो सारा कुछ प्लेज कर चुका था कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, इसी तरह केमिकल वेपन्स के बारे में बता चुका था कन्वेंशन के वक्त कि हम, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. बाकी बाद में जाकर उसने ये क्लेम किया कि यार हम वेरिफिकेशन नहीं देंगे, क्योंकि इससे ये बात साबित होती है कि उसके पास केमिकल वेपन्स भी थे. ठीक है, और शायद अब भी हों. सही है, तो यू आर नेवर श्योर अबाउट योर इरेशनल नेबर. पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में हमने क्या किया था, ना ही वो मुज़ाकरात समझता है, ना ही वो इंटरनेशनल एजुकेशन समझता है, ना ही वो रेशनैलिटी की तरफ जाता है, और ना ही वो ताल्लुकात की बेहतरी की जानब जाता है. वो सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि पाकिस्तान को तोड़ा जा सके, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दें. ठीक है, जो कि उनके मिनिस्टर्स भी कह रहे होते हैं, जो कि उनके पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है, जो उनका मीडिया भी कह रहा होता है, तो फिर आसमान से तो फरिश्ते नहीं आएंगे जो कि हमें एक स्टेट के इंटेंशंस के बारे में बताएंगे. वो तो हर एक स्टेक होल्डर उनके इंटेंशंस खुलकर आपके पास कह रहा है. ठीक है, तो आप इस कंडीशन में जो ये चैलेंजेस एनपीटी को है, तो पाकिस्तान किस तरह इसको एक्सेप्ट कर सकता है? ठीक है, वो उस वक्त एक्सेप्ट कर सकता है जब आपके पास ये चैलेंजेस फुलफिल हो, इसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो. ठीक है, पाकिस्तान ने तो किसी पर मतलब एग्रेशन नहीं किया, हमेशा पाकिस्तानी पर एग्रेशन लिया, हमेशा पाकिस्तानी की इंटरनल सिक्योरिटी को
मतलब मसाइल से दो चार किया गया. सो हाउ कम पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट सच एन एग्रीमेंट विच वुड नॉट क्या है प्रॉमिस इट्स सिक्योरिटी इन द लॉन्गर रन इन द शॉर्टर टर्म इन द मीडियम रन. ठीक है, और यही बात आपके पास किसने दोहराई थी रिसेंट आपके पास ये क्या है 2016 में आपके फॉरेन सेक्रेटरी जो थे ना उसने यही कहा था. उसकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान इसको डिस्क्रिमिनेटरी समझता है. क्यों डिस्क्रिमिनेटरी समझता है? इस वजह से समझता है क्योंकि आपके पास जो पावरफुल स्टेट्स हैं ठीक है वो क्या कर रहे हैं, वो तो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की तरफ जा ही नहीं रहे. ठीक, एक बात. दूसरी बात, एनपीटी आपके पास इंडिया ने भी साइन नहीं की, सही है, और अभी आगे आप देखेंगे कि उसको फिर भी कॉन्सेशंस दिए जा रहे हैं, सही है. तो अगर पाकिस्तान एनपीटी साइन कर ले और सारा कुछ मतलब वो साइड पर रख दे और इंडिया के साथ वो वेपन्स हो, ठीक है, और आपके पास इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसको सपोर्ट कर रही हो, तो फिर क्या होगा हमारे पास? मतलब हम किस जानब जा रहे होंगे? तबाही की जानब जा रहे होंगे या गुलामी की तरफ जा रहे होंगे? और यही बात इमरान खान ने स्पीच में भी दोहराई थी कि दो रास्ते होते हैं आपके स्टेट के पास, या आप गुलामी की तरफ चले जाओ या आप अपने आखिरी मतलब खतरे तक लड़ो. सो हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, कि वी आर एज्यूमिंग आवर डिफेंसिव पोस्चर इन एवरी प्लेटफॉर्म, और हम यही कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इससे एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हटा दो, वी आर रेडी टू साइन इट. और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ना जिसको ऑफिशियल वेबसाइट है यूएन का, उसमें भी यही बात बताई गई है कि जो पाकिस्तान का स्टांस है ना ये बाकी ममालिक भी शेयर करते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है. इज इट क्लियर? यस सर. चलो यार 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, मेरे गले में जरा वो हो रहा है, ठीक है, मैं जरा फ्रेश हो जाता हूँ और 10 मिनट की ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है सर, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़.